अक्षरा का हो रहा है रो रो कर बुरा हाल। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी। बात करें सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ अब अक्षरा को आ रही है अभिमन्यु की याद, वहीं अभिमन्यु भी कर रहे हैं अक्षरा को मिस। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों के दोनों अलग हो गए हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। लेकिन पहल कौन करे बात करने की, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से बात। वहीं आपने लास्ट एपिसोड्स में देखा कि कैसे अभिमन्यु अक्षरा पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि सारी शादी के रिश्ते बेकार ही होते हैं, कहीं जबरदस्ती से रहना पड़ता है तो कहीं घुट घुट कर रहना पड़ता है, जिस बात पर अक्षरा को गुस्सा आ जाता है। वहीं अभिमन्यु ये भी बोल देते हैं कि मेरा भी तुमसे शादी करना गलत ही था, जिस बात पर अक्षरा को रोना आ जाता है और उन्हें आ जाता है बहुत तेज गुस्सा। वो बोल देती हैं, अगर तुम्हें ये रिश्ता ये प्यार गलती लगता है तो अपनी गलती को सुधार लो, और चली जाती हैं रूट कर गोइंका परिवार। जो ऑटो में भी दिखती है दोनों की नोकझोंक, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा को मनाते नहीं है। वहीं अभिमन्यु अपने घर चले जाते हैं और अक्षरा गोइंका परिवार चली जाती है। गोइंका परिवार में अक्षरा को ऐसे देख सब शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन अक्षरा सारी बातों को संभाल लेती है। लेकिन वहीं परिवार वालों को तो शक हो जाता है कि कुछ अक्षरा को जरूर हुआ है, क्योंकि अक्षरा की दादी उन्हें देखकर पता लगा लेती है कि अक्षरा दुखी है, जिस बात से वो लोग भी थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि कैसे अक्षरा का रो रो कर बुरा हाल होने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अक्षरा अभिमन्यु के लिए रोती है। वहीं अभिमन्यु भी खुश नहीं है, वो भी कहीं भी लेट कर सो जाते हैं और अक्षरा को मिस करते रहते हैं। वहीं अक्षरा अभिमन्यु की कॉल का वेट करती है और उन्हें कॉल करने जा ही रही होती है कि उन्हें वो सब फिर याद आ जाता है कि कैसे अभिमन्यु ने बोला था कि ये रिश्ता एक गलती है, जिसे देखकर वो कॉल उन्हें नहीं करती। वहीं जब अभिमन्यु सोकर अगले दिन उठते हैं तो देखते हैं कि फोन में अक्षरा को कॉल आया या नहीं, लेकिन जिद्दी अभिमन्यु खुद तो कुछ कर नहीं रहे और अक्षरा से ही अब भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। लेकिन क्या अक्षरा ही मनाएंगी अब अभिमन्यु को? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस बार अक्षरा बहुत ज्यादा है अभिमन्यु से नाराज। अभिमन्यु ने कर ही ये कुछ ऐसी हरकत तो अब अक्षरा का रूठना तो बनता ही है। वहीं जहां मंजरी भी अभिमन्यु से पूछती है कि अक्षरा कहां गई, तो अभिमन्यु बोल देते कि उसका अपने घर जाने का मन हुआ तो चली गई, जिस बात पर मंजरी को भी शक हो जाता है कि जरूर अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में कुछ हुआ है। वहीं अब मंजरी भी जाएंगी अक्षरा को मनाने, लेकिन क्या मान जाएंगी अक्षरा? वहीं आप देखेंगे कि कैसे पूरा गोइंका परिवार साथ बैठा होता है, एक फंक्शन की तैयारी भी कर रहा होता है, जब गोइंका परिवार अक्षरा से कहता है कि तुम्हारे ससुराल वालों को भी इनवाइट करना चाहिए, लेकिन अक्षरा उन्हें मना कर देती है कि नहीं, हम अपनी पार्टी खुद अकेले करेंगे, जिस बात पर परिवार को शक हो जाता है कि जरूर कुछ अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में हुआ है। लेकिन जब पूरी सच्चाई परिवार वालों के सामने आएगी तो क्या होगा घर वालों का रिएक्शन, ये देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब जहां अक्षरा रूठ गई हैं, अभिमन्यु को तो मनाना ही पड़ेगा, इसलिए अभिमन्यु निकल जाएंगे अक्षरा के पीछे मार्केट में मनाने। अब देखना बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होने वाला है कि क्या क्या करेंगे अभिमन्यु अक्षरा को मनाने के लिए और क्या इस बार मान जाएंगी अक्षरा। वैसे आपको बता दें, अक्षरा तो अभिमन्यु का वेट कर ही रही है कि वो कब आए उन्हें मनाने। लेकिन जब अभिमन्यु उन्हें मनाने आएंगे तो क्या होगी इन दोनों के बीच में नोकझोंक, देखना बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें।